अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर सुपर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। मैं भी अल्लाह के करम से बहुत ठीक ठाक और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप सब लोगों की दुआएं हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि विंटर सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में कौन कौन सी ऐसी डाइट है जो हम ज़्यादा ले सकते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ऐसी डाइट जो हमें ताकत भी देती है, हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और हम उसको सर्दी के मौसम को बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए जी, हम स्टार्ट लेते हैं अपने वीडियो का। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गाजरों की। सर्दियों में गाजरें बहुत फ्रेश आती हैं, बहुत मीठी मीठी होती हैं, बहुत रेड रेड होती हैं, और आप सबको पता है कि गाजरों में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, इसके अलावा आयरन होता है। ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छी हैं, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हैं। गाजर का हलवा बनाइए, गजरेला बनाइए, खुद भी इंजॉय कीजिए, अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। अच्छा जी, सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं फ्रूट्स की, ख़ास तौर पे माल्टे, किन्नू, मौसमियाँ, इनका जिक्र करती हैं। तो जनाब, इनका फ्रेश जूस बना के पिए सर्दियों में ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको विटामिन सी देगा, पोटेशियम देगा। अच्छा जी, फिर बात करते हैं जी, आप वीडियो में देख रहे होंगे सिंघाड़े, चेस्टनट्स, इनको कुछ लोगों को तो इनका पता भी नहीं होता है, आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा ये कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको बॉईल करके खाएं, सेक के खाएं, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन माने फ़ायदेमंद भी है और टेस्टी भी। ड्राई फ्रूट तो आप सब लोग जानते हैं कि फुल ऑफ फाइबर होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम नहीं रहने तो कैल्शियम होता है, बाद में तोड़ जाए उसमें शामिल कीजिए। फिर जनाब, पाँचवें नंबर पर आता है हमारा सूप और यखनी स्टॉक्स। चिकन स्टॉक ले लें आप, चिकन कॉर्न सूप बना लें, थाई सूप बना लें, इसके अलावा आपको अगर सिंपल यखनियाँ पसंद हैं तो आप यखनियाँ बना लें, सर्दी के मौसम में बहुत फ़ायदा देती हैं। जनाब यहाँ पर देखें, आपको फिर नज़र आ रहा होगा माल्टों का, और ये ख़ास तौर पे स्पेशल मैंने ये माल्टे मंगवाए थे खानपुर से। इसकी वजह ये थी कि एक तो खानपुर के माल्टे बहुत मशहूर हैं, बहुत मज़े के होते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि अब सीज़न जाने वाला है, बस आपको पता है कि कुछ दिन रह गए हैं और ये आखिरी बात के कोई नीचे से ट्रे निकाल लो या वहाँ से ट्रे लेके आओ, बड़ी बड़ी तस्वीर पड़ी हुई, इसको हमें इन्जॉय करना है। कहाँ रखी रहेगी ये शीशे की पड़ी है, इसमें इन्जॉय करेंगे सर्दी को। जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं, खुद भी इंजॉय करें, आपको पता है माल्टे का कितनी अफादियत है, यकीन करें इसके अंदर कुदरत ने इतना बेशबा खजाना छुपा के रखा हुआ है ना। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन बी 12 होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, ये फुल ऑफ विटामिन सी की वजह से स्किन को अच्छा करता है, आपकी नेल्स को अच्छा करता है, स्किन, नेल्स, आपके दांत, हर चीज़ के जूस लेने से, इसका फाइबर खाने से। अच्छा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनके लिए बहुत बेस्ट है कि वो जूस पीने के बजाय इसको पूरा माल्टा खाएं फाइबर के साथ, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं अपने बच्चों को सर्दियों में आपके साथ शेयर करूँ कि मैं चिकन की यखनी ज़रूर बनाई थी, चिकन भी कौन सा, देसी चिकन। आप मंथ में बेशक एक दफ़ा ही मंगवाएँ, देसी चिकन मंगवाएं और उसकी यखनी बनाएं, अदरक लहसुन डाल के, अच्छी सी प्याज डाल के, नमक काली मिर्च ऐड करके आप बेहतर से यखनी बनाएं। इसका अच्छा सा जैसा सारा एब्स्ट्रैक्ट निकल आएगा, आप अपने बच्चों को पिलाएँ, सर्दी से बहुत फ़ायदेमंद है, सर्दी में भी फोकस और खांसी से बचाएगी, गले के प्रॉब्लम्स, जुकाम, फ्लू, नज़ला जुकाम, इन सब से आपके बच्चों को सेफ़ रखेगी। और आपको पता है देसी यखनी, देसी मुर्गे की यखनी भी कितनी फ़ायदेमंद होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने पेशेंट्स को दें, इसके अंदर बहुत ताकत होती है। जनाब स्पेशली बनाइए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए, अपने घर के बुज़ुर्गों को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। और हाँ, बच्चे थोड़ा सा तंग करते हैं शुरू में, लेकिन अगर आप आदि बना देंगे उनको, वो आप रूटीन में देना शुरू कर देंगे, वो आदि हो जाएंगे, उनसे उनका सीना भी सही रहेगा, सर्दी भी कम लगेगी। और आप चिकन पीस भी दे सकते हैं, खाली यखनी देना चाहें तो खाली यखनी भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत सादी हैं और अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, और अगर हम इनको इंजॉय करें अपनी लाइफ में तो यकीन माने ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसके अलावा सादी यखनी के अलावा आप हफ्ते में एक दफ़ा चिकन कॉर्न सूप बना सकते हैं। चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी मेरी वीडियो में आपको ब्लॉग में, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लें। मैं तो जनाब ये करती हूँ कि चिकन की यखनी, ढेर सारी चिकन की यखनी निकाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं चिकन कॉर्न सूप बना लेती हूँ, सादी यखनी यूज़ कर लेती हूँ, या हॉट एंड सावर सूप बना लेती हूँ। अच्छा जी, फिर नंबर आता है हमारा
छली का, कॉर्न्स का, कॉर्न्स आप कॉर्न्स सिंघाड़े छली ये सब चीज़ें वो हैं जो कि सर्दियों के सीज़न में आती हैं और बेबहा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ शकरकंदी, अच्छा जी ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिनको बहुत लाइट लेते हैं, शकरकंदी सिंघाड़े और छली, लेकिन ये अल्लाह ताला की इतनी बेहतरीन नेमतों में से है, ये इतना फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें विटामिन बी होता है, B12 होता है, विटामिन सी होता है, जो कि आपके बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी शकरकंदी आप इस तरह से भी खा सकते हैं कि आप पानी में इसको बॉईल कर लें और बॉईल करके छिलका उतारें और फिर इसके पीसेस काट के चाट मसाला डाल के या इमली की चटनी के साथ खा लें। और एक तरीका मैं यहाँ पर शेयर भी कर रही हूँ आपके साथ कि आपने पैन लेना है, नॉनस्टिक पैन लेना है, उसके अंदर शकरकंदी रखनी है और ढक्कन ढक देना है। 15 से 20 मिनट के बाद आपकी वो छलियाँ नरम हो जाएंगी, छिलका उतारिए और इन्जॉय कीजिए। छली, छली की बात कर लेते हैं। छली बहुत बेहतरीन तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, ये फुल डाइट है। अगर आप एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं और एक छली खा लेते हैं, यकीन माने ये आपको फुल एनर्जी देती है। फ़िश, सर्दियों की सबसे बेस्ट तरीन चीज़ जो है वो है फ़िश। इसमें आयोडीन है, इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें सोडियम है, ये सब चीज़ें इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इनको इस तरह इंजॉय कर सकते हैं कि आप सब पे मसाला लगाइए, मेरी वीडियो में आपको दिख रहा होगा, साथ के साथ मेरी रेसिपी भी शेयर हो रही है, आप इस पे सारे मसाले लगाइए, मसाले लगा के इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। अब आपका दिल चाहे तो आप ऑयल के साथ डीप ऑयल में इसको फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, या अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट कॉन्शियस हैं तो आप शैलो फ्राई कर लें इसको, और अगर नहीं तो इसी तरह लाइट सा फ्राई करने के बाद आप मसाला बनाएं, मसाला बना के उसमें फिश के पीसेस डालें और दम पे रख दें, धनिया काटें, हरी मिर्च काटें, आपका मछली का सालन तैयार है। आप ये एज यू विश कि आप इसको किस तरह खाना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको फ्राई फॉर्म में खाना चाहते हैं या सालन के साथ खाना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी बेहतरीन अल्लाह ताला की दी हुई हमें एक नेमत है कि जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्दी से बचाती है और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों को आदि बनाएं खाने का। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि विंटर सीजन में हम किन किन अल्लाह ताला की नेमतों को खाकर शुक्र अदा कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छी लगी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।